कहाँ से हैं आप? सारण जिला से है सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। क्या दिक्कत है आपके साथ बताइए। दिक्कत यह है कि 29 मई 2023 को हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन किए थे और 30 जुलाई को हम रिजाइन बाय सिस्टम में दिए, तो सिस्टम से सीनियर लोग रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में लिखित दिए, लिखित भी एक्सेप्ट लोग नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताइए, आप 1-1.5 महीना काम करने के बाद ही रिजाइन क्यों देना चाह रहे थे? क्या कारण था इसका? वहाँ यही सब लोचा था, जैसे कि किसी मेंबर का 3-3 किस्त ले लेना, 4-4 किस्त ले लेना, यही लोचा था। ब्रांच मैनेजर तक उसमें सम्मिलित था। अच्छा, मतलब गड़बड़ी हो रहा था। जी, यही सब गड़बड़ी के वजह से हमको अच्छा नहीं लगा। हम सोचे कि इसको छोड़ने में ही भलाई है। फिर क्या हुआ? और फिर 30 जुलाई को हम रिजाइन दिया, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लिखित भी हम दे करके वहाँ चले आए, नहीं लोग एक्सेप्ट किए। हम चले आए घर। उसके बाद में देखिए कि 15 तारीख 11वां महीना 2024 को नोटिस भेजा गया है 5150 का रिकवरी के लिए। अच्छा, मतलब आप जो है 2023 में छोड़ दिए जी। इधर 1 साल के बाद अब जो है आपके ऊपर नोटिस आया। जी, नोटिस क्यों आया? हो सकता है आप पैसा वैसा कस्टमर का लिए होंगे, पेमेंट नहीं किए होंगे। ऐसा बात हो ही नहीं सकता है सर। जो भी मीटिंग होता था, चाहे जो भी प्रोसेस होता था, सब पे मेरा साइन है, सिग्नेचर है। जिस क्लाइंट से पैसा लिया गया है, उस वो तो उतना अमाउंट बीएम साहब के हाथ में दिया गया है, वही पोस्ट करते थे। कि जो भी नया स्टाफ जाता है, तो उसके जाते जाते उसके मोबाइल में, चाहे उसको सिस्टम का हर चीज़ मने, समय लगता है। पोस्टिंग के लिए ब्रांच मैनेजर के हाथों पोस्ट होता था। वो पैसा जो रिसीव हुआ, वो हम कई एक जगह वहाँ ब्रांच पे है, उसका प्रूफ है, लिख करके रखा हुआ है। हम जो जितना पैसा लाया, उतना फील्ड से रिसीव करवा दिए। हम वो लोग बाई पोस्ट नहीं किया, क्या किया, देखिए कि मेरे ऊपर नोटिस डाल दिया। नहीं तो देखिए, यही न गलती होती है। आप जो है मतलब फील्ड स्टाफ आप थे, मान लीजिए कोई कस्टमर से किस्त आप लाए, तो आपकी भी जिम्मेवारी न बनता है हो कि उसको जो है पोस्ट करवाना, कंपनी में पेमेंट करवाना। हाँ, तो पोस्ट तो हमारे सामने सब अमाउंट मिला के किया जाता था। पोस्ट किया जाता था तो फिर रिकवरी कहाँ से आ गया आपके? वही ना, वही तो सर हम चिंतित है कि एकाएक कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। दूसरा चीज है कि आप जो है मतलब जब रिजाइन किए, ठीक है, आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, आप जो है उसी टाइम में आपको जो है आवाज उठाना चाहिए कि भैया मेरा जब हमको जब कंपनी HR गए थे पटना में, उसका HR है पटना, गए थे हम। लेकिन वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बोला कि नहीं काम कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगा, हम फिर दोबारा नहीं गए। बोला कि नहीं, ठीक है, आपको छोड़ने के लिए कोई भी कंपनी है, छोड़ने के लिए कोई ये नहीं है, कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता है। आपका मर्जी है, जब तक किए, ठीक है, जब मन हुआ रिजाइन करने का आप रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर जान बूझ के फिर भी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, घुमा फिरा रहा है, तो ये गलत है। वही हुआ, हम उसको बोले कि नहीं, हमको नहीं करना है। हम तो बोले कि नहीं, दूसरे ब्रांच दे देते हैं यहाँ वहाँ। बोलते नहीं, हमको करना ही नहीं है। आपका जब रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, तब तो आपको टर्मिनेट कर दिया होगा। हाँ, और उसमें सिस्टम जैसे कि देखिए, ट्रेनिंग के समय बताया कुछ और जाता है कि 4 को छुट्टी दिया जाएगा, 2 को 4 को संडे दिया जाएगा, 2 को सैटरडे दिया जाएगा। वहाँ जाने पर पता चलता है कि महीना में 2 खाली संडे छुट्टी है। अच्छा, महीना में 2 संडे छुट्टियाँ। लीव तो मिलता है, लीव उब नहीं दे रहा था क्या? नहीं, दो मैंने कंपनी की तरफ से अलाउ था कि 4 संडे 2 सैटरडे, लेकिन ये लोग सीनियर लोग खाली 1 संडे और 1 सैटरडे देता था मंथली में। नहीं, वो देखिए, वो तो वीकली छुट्टी हो गया, ठीक है, 4 संडे 2 सैटरडे, वो तो वीकली छुट्टी हो गया। और ऐसे भी कंपनी के तरफ से जो है महीना में 3 गो 4 गो 3 गो तो कम से कम जो है ना, कैजुअल लीव रहता है। हाँ, वो लीव के CL PL वो क्या क्या लीव जो है दिया जाता है। देखिए सर, जो सिस्टमिक ढंग से जो फाइनेंस को जो छुट्टी में अलाउ है सरकार की तरफ से, उस हिसाब से तो देवे नहीं करता है, तो वो अपने तरफ से क्या दे पाएगा।
अच्छा, मतलब संडे के दिन भी स्टाफ को दौड़ा देगा कि नहीं जाके फील्ड में जाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। संडे के रोज भी काम करवाता था ना साहब संडे के? अच्छा एक चीज बताए, संडे के रोज काम करवाता था, आप कैसे कह सकते हैं? इसका कोई प्रूफ प्रूफ है सर? मेरे पास तो कुछ प्रूफ है का है नहीं, क्या है कि हमें एक महीना काम ही किया तो विशेष हमको हम विशेष का प्रूफ दे मोमेंट रजिस्टर वगैरह तो भर के जाते होंगे। हाँ हाँ वो तो है वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो ब्रांच में तो होगा प्रूफ। हाँ हाँ ब्रांच में सब चीज़ है। अच्छा, तो ये आपके ऊपर 5,000 कुछ जो है रिकवरी के लिए नोटिस कर दिया है ना? जी जी। तो फिर बात किए आप जो ब्रांच मैनेजर था या जो वहाँ वो का है? जो तत्काल ब्रांच मैनेजर था उससे बात किए, उससे बात नहीं हो पाया। लेकिन वो एबीएम जो था, सहायक एबीएम जो एबीएम होता है, तो उससे बात किए तो वो बोला कि नहीं हमको इसे पता नहीं है, ऐसे उसे घुमा फिरा कर बता दिया। अच्छा, तो ठीक है। आप देखिए, आप जो है छोड़ना चाह रहे थे, छोड़ दिए, आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, आप जो रिजाइन दिए थे उसका प्रूफ प्रूफ है आपके पास? हाँ हम सिस्टम में जो हम किए थे ना रिजाइन का जो सिस्टम से जो डाला जाता है वो डाले थे, वो रिजेक्ट किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, आप रिक्वेस्ट डाले रिजाइन का, वो रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों तरफ से। ऑफलाइन भी दिए, ठीक है। उस टाइम में आपके ऊपर कोई बकाया, कोई कस्टमर का जो है किस्त वगैरह बाकी था क्या? कोई कुछ नहीं सर जी। तो फिर ये रिजेक्ट करने का क्या कारण था? क्यों रिजेक्ट करेगा? आपका मर्जी है भैया, आपको अच्छा लगा तो करिए, नहीं अच्छा लगा रिजाइन कर सकते हैं। तो फिर वो लोग ये इस तरह से क्यों कर रहा है? वो लोग कहने का मतलब कि स्टाफ मैनेज करने में दिक्कत होगा हमसे, हम जब गए ना तो उसी महीने में 3 गो स्टाफ रिजाइन दिया था। अच्छा, सच्चाई दिक्कत होने लगा। सच्चाई ये है ग्रुप लोन वालों सब का कि मतलब स्टाफ को जबरदस्ती रखा जाएगा, रिजाइन करना चाहेगा तो रिजाइन नहीं देने देगा ना? जी यही है इसका मतलब, तो यही हुआ ना जी, जबरदस्ती रखना। हाँ हाँ, अब फिर भी आप छोड़ के आ गए तो आपको टर्मिनेट कर दिया। अगर वो रिजाइन एक्सेप्ट करते तो मेरा फ्यूल का 4,000 रुपया फंसा है, वो निकाल जाता मेरा। मतलब मेरा फ्यूल फ्यूल का भी पैसा आपका बाकी रह गया क्या? जी जी अभी वो कंपनी में ही है। देखिए ये कोई बात नहीं है, आप मतलब देखिए मनमानी तो वो लोग भी कर रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वो लोग जबरदस्ती स्टाफ को रखना चाह रहा है, जिसको काम करने का मन नहीं है तो भैया आजाद है, लोग छोड़ के जा सकता है, रिजाइन कर सकता है। लेकिन रिजाइन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना, इसका मतलब है वो लोग जबरदस्ती जो है काम करवाता है जी। तो आप भी जो है ना इन इन लोगों के जो है एगेंस्ट में आप भी मतलब लेबर कोर्ट में जो है आप जो है केस कर सकते हैं कि हम जब रिजाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके पास तो रिजाइन का वो स्क्रीनशॉट वगैरह है, प्रूफ है जी, और उसमें जो रिजेक्ट किया होगा वो भी स्टेटस उसमें होगा, प्रूफ होगा जी। तो उसके आधार पे आप भी जो है ना केस कर सकते हैं लेबर कोर्ट में कि हमको जबरदस्ती वहाँ काम जो है करवाया जा रहा था, जबकि हमको छोड़ना था, रिजाइन करना था, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और हमको जब इमरजेंसी हुआ भाई, कोई काम हुआ घर का, घर गए तो फिर वो लोग जो है टर्मिनेट कर दिया। तो इस आधार पे आप भी जो है ना लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है जी सर। बाकी जो है आपका ये न्यूज हम जो है रिकॉर्डिंग चला देंगे DNY न्यूज पे, कोई दिक्कत नहीं सर।